भटट में गोरखपुर सदर के सपा सांसद प्रवीण कुमार निषाद ने मुहर्रम जुलूस के दौरान हुए हंगामों को मद्देनजर देखते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों चिलबिलियां बड़हरिया के साथ लगभग आधा दर्जन गांवों का दौरा किया। इस दौरान घरों में मौजूद बूढ़े लोगों और महिलाओं आदि से बात कर हालात को जाना। आपको बता दें कि ताजिया जुलूस के दौरान अमुआ गांव का गोल्डन नाम का युवक डीजे के ऊपर बैठा हुआ था, तभी वह विद्युत करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद अराजक तत्वों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। वहीं इस मामले में दरोगा समेत एक होमगार्ड गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके उपरांत पुलिस ने 24 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सरगर्मी से आरोपियों की धरपकड़ करने में जुट गई। तभी से लगभग दर्जनों गांवों के सैकड़ों मुस्लिम परिवार अपने घरों में ताला मारकर अज्ञात जगहों पर चले गए। 21 तारीख की घटना, जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन कार्रवाई करे, लेकिन जो लोग निर्दोष हैं, जहाँ पे ये घटना हुई और जहाँ का ये मैटर है, उस गांव से लोग जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ के गिरफ्तार करें। लेकिन जो दोषी नहीं हैं, जो अपने बाजार जा रहे थे कुछ सामान करने, जो पिताजी की दवाई करने जा रहे थे या किसी अपने निजी काम से जा रहे थे, उनको सड़कों पर से गिरफ्तार करके 200 लोगों के ऊपर अज्ञात मुकदमा दर्ज करके इस क्षेत्र में उत्पीड़न कर रही है सरकार और प्रशासन, और अज्ञात लोगों को पकड़ के जेल भेजने का जो काम कर रही है, और धर्म और जात के नाम पर डरा और धमका रही है। अभी हमने भटट थाना चौकी को देखा, पूरी छावनी बनी हुई है। इस क्षेत्र में एक दहशत का माहौल है, लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। तो हम लोग आज इस गांव में दौरा करके क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति कल हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे और पुलिस प्रशासन से बात करके जो लोग निर्दोष हैं उनको छोड़ने का काम और उनका प्रयास किया जाएगा और उनकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम। सर एक सवाल और, जैसा आरोप लग रहा है कि मासूमों को पुलिस उठा रही है, तो उन मासूमों के लिए आप क्या करेंगे? उन्हीं की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग उनके बीच में आए हैं, जो परिवार के बच्चे जिनको जेल भेज दिया गया, जो बच्चे और जो बुजुर्ग जो उनको जेल अकारण जेल भेज दिया गया, उनकी लड़ाई, क्योंकि जब तक हम लोग वास्तविक स्थिति को नहीं अवगत होंगे तब तक हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी, निषाद पार्टी और नेता, सारे नेता, पूरे जिले की कमेटी आई हुई है और उस पर न्याय के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं।